दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक, यूट्यूबर सिंगर फरमानी नास के भाई की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। एक अजीब ही माहौल चल रहा है। हम लोगों को लगता है कि शायद हमारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, हम तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन हम सब गलत हैं। भले ही हमारा कोई दुश्मन ना हो, लेकिन किसी न किसी रंजिश के चलते हुए, दूर की रंजिश के चलते हुए, कोई ना कोई मुसीबत हम लोगों पर कभी भी आ सकती है। और ऐसा ही शायद फरमानी नास के भाई खुर्शीद के साथ हुआ है। फरमानी नास को तो आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर माफी गांव की रहने वाली हैं। काफ़ी इन्होंने सोशल मीडिया पर नाम कमाया, अच्छी आवाज़ है। हाल ही में इन्होंने कुछ भजन भी गाए थे, हर हर शंभू जैसा भजन, जिसके बाद इनको कई सारे उलेमाओं की तरफ से फतवा भी दिया गया, आलोचना का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारी बातें हुई फरमानी नास के ख़िलाफ़, लेकिन फरमानी नास ने कहा कि मैं एक सिंगर हूं और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इस तरह से गाने गाती हूं, मैं पक्की मुसलमान हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा था तो उस वक्त तो मेरी किसी ने मदद नहीं की थी, अब जब मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए अपने बीमार बच्चे के लिए पैसा कमा रही हूँ, अपनी रोज़ी रोटी चला रही हूँ, तो लोग मुझे इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उस वक्त चर्चा में थी फरमानी नास। फरमानी नास का चचेरा भाई जो उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहता था, जिसका नाम खुर्शीद था, खुर्शीद मजदूरी किया करता था, इसकी उम्र 17 साल थी। शाम को मजदूरी करके घर पर आता है, मगरिब की नमाज के बाद खाना खाकर वो घर से बाहर टहलने के लिए निकलता है। घर से पीछे तकरीबन 150 मीटर ही अभी वो दूर गया था, घर के बिल्कुल पीछे ही 3 बाइक सवार आते हैं और उसके ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। गले पर चाकू मारा, पेट पर, सीने पर बुरी तरह से चाकू से हमला कर दिया। जिस वक्त 3 बाइक सवार खुर्शीद को चाकुओं से गोद रहे थे, खुर्शीद ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसका छोटा भाई पीछे आ रहा था। उसने कहा, भाई यहाँ से भाग जा। खुर्शीद ने अपने भाई को भागने के लिए कहा, ज़ोर से आवाज़ लगाई तो आसपास के घरों तक पहुँच गई, गाँव वाले वहाँ पर पहुँच गए, भाई भी वहाँ पर पहुँच गया। भाई ने उसको चाकू से गोदते हुए भी देखा, लेकिन वो तीनों बाइक सवार फरार हो गए। खुर्शीद को हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। फरमानी नास के भाई की दिन दहाड़े 3 बाइक सवारों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। कौन थे ये तीनों बाइक सवार, अभी पुलिस इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रही है। पुलिस का यही लगातार कहना है कि हम इस पर जाँच कर रहे हैं, जब तक बारीकी से जाँच नहीं होगी हम कुछ नहीं कह सकते। पुलिस अभी इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, कौन है ये तीन लोग, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर हैं। इस घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा देखा गया। हॉस्पिटल पहुंचकर गांव वालों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी किया और तीनों को पकड़ने की मांग की। कौन है ये तीन लोग, किस मकसद से खुर्शीद को मारा गया है? फरमानी नास कहती हैं कि उनका कोई भी दुश्मन नहीं था उनके भाई का, वो एक मजदूरी करता था, मजदूरी करके घर आकर आराम से सो जाता था, टहल लेता था, लेकिन उसका कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको किन लोगों ने मार डाला। फरमानी नाज रो रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, मोदी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हैं कि सुरक्षा दी जाए, आज उसको मारा गया है घर के करीब, कल किसी और को भी मारा जा सकता है। फरमानी नाज लगातार यही बात करेंगे कि खुर्शीद का कोई भी दुश्मन नहीं था, उसका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, पता नहीं उसको किसने मार डाला। देखते हैं भाई कौन निकलते हैं मारने वाले, जैसे कोई अपडेट आएगा आपके सामने लाकर रख दूंगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह सभी को सलामत रखे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।